गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट से यानी कि चुंबक के साथ मनोरंजन ये चल रहा था। इसको मैंने आपको कम्प्लीटली चैप्टर को पढ़ा दिया था। आज हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं इसकी। पहले है कंपास, यानी कि कंपास एक सूचक जिसे हम कहते हैं। फिर है मैग्नेट यानी कि चुंबक, मैग्नेटाइट जिसको मैग्नेटाइट बोला जाता है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें ये पाँच ही कीवर्ड्स थे। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो विभिन्न आकार के बनते हैं। जैसे कि पहला है बार मैग्नेट, इसको हम फिल करेंगे बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट। तो इनको हम इस तरह से जो इतने स्थानों पर इसको फिल करेंगे। फिर दूसरा है द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे मैंने लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक मटेरियल। फिर तीसरा पेपर इज नॉट ए, फिर ए मटेरियल स्पेस में आएगा मैग्नेटिक मटेरियल। फिर आएगा फोर्थ, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ, तो स्पेस में आएगा बार मैग्नेट। फिर फिफ्थ है मैग्नेट ऑलवेज हैज, स्पेस में आएगा टू पोल्स। ठीक है, फिर आएगा इसमें ट्रू फॉल्स इसको करना है हमने। तो पहला है सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल, तो ये गलत हो गया, किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, तो ये भी फॉल्स है। सिमिलरली पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपील ईच अदर, तो ये ट्रू है। तो सिमिलर पोल्स होते हैं जो यानी कि जो एक जैसे ध्रुव होंगे मैग्नेट के, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर है मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ मार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम, तो ये फॉल्स है। फिर फिफ्थ है बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स नॉर्थ साइड डायरेक्शन, तो जो बार मैग्नेट होता है वो हमेशा उत्तरी दक्षिणी दिशा की ओर को प्रदर्शित करता है, तो ये सत्य है। कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। कंपास को जो हम किसी पूर्व पश्चिम दिशा की ओर रख करके कंपास से हम इन दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये फॉल्स है, रबर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, फिर है तीसरा क्वेश्चन हमारा, इट इज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हमें यह ज्ञात है कि जो पेंसिल शार्पनर होता है वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है, यद्यपि जो उसकी उसका जो ढांचा है वो प्लास्टिक का बना होता है। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। पेंसिल शार्पनर में लगे उस भाग का नाम बताइए जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने कॉपी में लिखा है, इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। देयर इज ए ब्लेड इन पेंसिल शार्पनर विच इज मेड अप ऑफ आयरन। पेंसिल शार्पनर में ब्लेड लगी होती है जो आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। दैट इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ मैग्नेट। इस कारण से जो है जो ये पेंसिल शार्पनर है ये चुंबक के ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट शोज डिफरेंट पोजिशन इन विच वन पोल ऑफ ए मैग्नेट इज प्लेस नियर दैट ऑफ द अदर। कॉलम फर्स्ट में पोल्स दिए गए हैं, किसी भी दो पोल्स दिए गए हैं एक मैग्नेट के, और कॉलम सेकंड में हमने रिजल्ट बताना है कि जो उसमें ये पोल्स दिए गए हैं हमको, ठीक है, उनका जो है क्या कारण है, क्या सिचुएशन है उनमें, और कहीं कहीं पर जो है हमने अगर हमको सिचुएशन दी गई है तो वहाँ पे पोल कॉलम फर्स्ट में कौन सा पोल उसके साथ जुड़ेगा, ये भी हमने इस तरह से करके इसको फिल करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड है, इसमें दिया है नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ पोल हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सिएट करेंगे, तो इसमें लिख लेंगे हम रिपल्सन, प्रतिकर्षित होते। फिर दिया, देखो एन दिया और यहाँ पर स्पेस दिया गया, यहाँ लिखा है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन कब होगा, जब दूसरा पोल अलग दूसरा होगा, यानी कि एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ, तो यहाँ पर एस जाएगा। फिर अगला है एस और एन, तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, अलग ध्रुव हैं तो ये भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इसमें जाएगा अट्रैक्शन। फिर एस और एस, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों रिपल्सिएट होंगे, क्योंकि दोनों जो ध्रुव जो हैं वो साउथ साउथ हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि चुंबक के दो गुणों को बताइए। तो यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ आंसर टू दो गुण देखें, एक या दूसरा है। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक पोल्स रिपील ईच अदर। जो
ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक के, हुए जो है आपस में आकर्षित होते हैं, जबकि जो समान ध्रुव होंगे वो जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा गुण है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये एक स्वतंत्र अवस्था में रखा गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड, कि बार मैग्नेट में जो है जो सिरे हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड्स पॉइंट्स। तो बार मैग्नेट में जो ध्रुव होते हैं वो बार मैग्नेट के जो दोनों लास्ट के जो सिरे होते हैं उन दोनों पर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच इंडीज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। तो यदि किसी बार मैग्नेट पे यह अंकित नहीं है कि उसमें जो ध्रुव हैं वो कौन कौन से हैं, तो कैसे आप यह पता कर पाओगे कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ पर है करके। ठीक, तो इसके लिए आंसर में लिखा होगा, हैंग अप द मैग्नेट बाई ए लाइट थ्रेड सो दैट इट हैंग्स फ्रीली। आप उस मैग्नेट को जो है एक हल्के धागे से जो है मुक्त अवस्था में लटकाइए। व्हेन इट कम टू रेस्ट, जब वो विराम अवस्था में आएगा, वी नोटिस दैट द मैग्नेट इज लाइंग इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो चुंबक है वह जो है नॉर्थ साउथ दिशा में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गया है। तो इस तरह से हम नॉर्थ दिशा जो है उसकी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इन टू ए मैग्नेट। आपको एक लोहे की जो है पट्टी दी गई है, आप उसे जो है कैसे एक चुंबक में बदलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पॉइंट वाइज है, ऐसे ही पॉइंट है लिखे हैं ये 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, जो डेस्क हैं वो पॉइंट हैं। तो इसका आंसर है, टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार, हमने एक आयताकार लोहे का टुकड़ा लेना है, टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टेक्ट विथ वन ऑफ इट्स पोल्स विथ वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन। हमने एक चुंबक का टुकड़ा लेकर के उसके पास जो है उस आयरन बार के हम जो हमने आयरन बार लिया है यानी कि जो लोहे का टुकड़ा लिया है उसके ऊपर हम एक लोहे का चुंबक का टुकड़ा लेंगे और उसके एक सिरे को यानी कि जो लोहे का जो सिरा होगा, लोहे के टुकड़े का सिरा होगा, उसके ऊपर चुंबक का एक सिरे को उसके पास लेकर आएंगे। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ इट आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। आप बिना उस चुंबक को उठाए ऐसे उस आयताकार पट्टी के ऊपर से रगड़ कर ले जाइए पीछे की तरफ। ठीक है, आपने उसको उठाना नहीं है पहले। ठीक है, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द एंड ऑफ द आयरन। आपने अब जो है चुंबक को जब दूसरे कोने पर पहुंच जाएंगे उस आयरन बार के लोहे के टुकड़े के, फिर उठाना है, फिर आगे से दोबारा ले जा करके फिर उसको पीछे की तरफ को रगड़ना है। ठीक है, मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन। आपने जो है उस मैग्नेट से बार बार उसी दिशा में जो है इसी क्रिया को 30 से 40 बार करना है, यानी कि 30 से 40 बार रगड़ना है। ठीक है, ब्रिंग फ्यू आल्पिन से नियर टू द आयरन बार, और उसके बाद कुछ आल्पिन जो है उस लोहे के आधा का टुकड़े के पास लानी, एंड चेक इफ इट इज कन्वर्टेड टू ए मैग्नेट और नॉट, और चेक करना है कि जो वो लोहे का टुकड़ा है वो अब चुंबक में परिवर्तित हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 9th क्वेश्चन है, हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कैसे हम जो है दिशूचक यंत्र यानी कि कंपास का यूज दिशाओं को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, कंपास इज यूजली ए स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास कवर ऑन इट। एक जो दिशूचक यंत्र होता है कंपास होता है वो एक छोटा सा बक्सा होता है जो शीशे से ढका हुआ होता है। ए मैग्नेटाइज नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स, एक चुंबकित सुई जो है इसके अंदर होती है, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो मुक्त अवस्था में घूमती है। द कंपास ऑल्सो हैज ए डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और कंपास के चारों ओर जो है दिशाएं बनी होती हैं या दिशाएं अंकित होती हैं। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कंपास को हम ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर हमको दिशाएं ज्ञात करनी होती हैं। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसकी जो सुई होती है वो नॉर्थ साउथ उत्तरी दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। वेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो विश्राम अवस्था में आती है, द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल। तो जो कंपास की जो निडल है, जो सुई है, वो तब तक घूमती रहती है जब तक कि वो जो है जो
कंपास में बने हुए जो नॉर्थ और साउथ पोल के मार्क हैं, जो चिन्हित हैं, वहाँ पर न आ जाए। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, हमको मैग्नेटिक नीडल जो चुंबकीय सुई है उसमें उत्तरी ध्रुव को पहचानने के लिए, इट इज यूजली पेंटेड इन डिफरेंट कलर। उस पर जो है उसका जो उस जो चुंबकीय सुई होती है उस पर जो है अलग अलग कलर का निशान होता है, या तो रेड कलर का होगा या ग्रीन कलर का जो है निशान बना होता है नॉर्थ को पहचानने के लिए, जो कंपास के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है दिशाएं एक कंपास के माध्यम से के थ्रू जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको कम्प्लीटली बताए हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर जो है कर लीजिएगा। ठीक।